हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने अपना एक टॉपिक स्टार्ट किया था द लिविंग वर्ल्ड। और द लिविंग वर्ल्ड इस चैप्टर के अंदर हमने पहले करैक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स नोट की, देन उसके बाद जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बींग, देन क्लासिफिकेशन एंड इट्स नीड। उसके बाद हमने टॉपिक देखा टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक, देन टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, और लास्ट ही हमारा स्टार्ट हुआ था लास्ट लेक्चर के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो जो हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग, उसमें हमने ये डिफ्रेंशिएट किया कि लिविंग बींग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, और डिफरेंस करने वाले जो बेसिक करेक्टर थे जैसे लाइक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, रेस्पिरेशन, एवोल्यूशन, होम्योस्टासिस, मेटाबॉलिज्म, ये सारे जो करेक्टर थे ये लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे। और इससे हमें पता लगा कि एक्चुअली में लिविंग कौन कौन से कैटेगरी में आ सकते हैं। देन उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की बात की, और क्लासिफिकेशन में हमने पहले जनरली उनको ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, ऑस्मोरेगुलेशन और एक्वाटिक हैबिटेट और सेलिनिटी के बेस पर उनको डिवाइड किया। देन हमने बात की थी बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी के बाद हमने ये देखा कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों है, और क्लासिफिकेशन के टाइप देखे थे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन क्या होता है, नेचुरल क्लासिफिकेशन, देन फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद हमने टैक्सोनॉमी की बात की, और टैक्सोनॉमी आपको पता लग गया कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम उसका आइडेंटिफिकेशन किसी भी ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसका नॉमेनक्लेचर करने के बाद उसे क्लासिफाई करते हैं। देन ये सब होने के बाद हमने टेक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा पहले किंगडम आता है, किंगडम के बाद देन डिवीज़न और फाइलम आएगा, देन क्लास आती है, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज़। इस तरीके से हमने ये टॉपिक कंप्लीट किए थे। अब हम जो टॉपिक करेंगे वो क्लासिफिकेशन के अंडर में, हमने कल बात की थी कि जो क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें पहले टू किंगडम सिस्टम आया, फिर थ्री किंगडम सिस्टम आया, देन फोर किंगडम, और जो मोस्ट एक्सेप्टेबल सिस्टम था वो था फाइव किंगडम स्कीम। फाइव किंगडम स्कीम के बाद सिक्स किंगडम भी आया, जिसने क्या किया, जो मेरा मुनेरा जो हमारा फर्स्ट किंगडम था जो कल हमने स्टार्ट भी किया था, उसे एराकी बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो इस तरीके से सिक्स किंगडम स्कीम हो गई थी हमारी। तो स्टार्ट किया था लास्ट हमने मुनेरा के बारे में, तो मुनेरा में हमने ये सब डिस्कस किया था कि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके अंदर बीच में हमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसिट्स, स्पोरोचाइट्स, रैकेट्सिया, क्लैमिडियाई और साइनोबैक्टीरिया एक्सेट्रा इसमें इंक्लूड होते हैं मुनेरा के अंदर। और मेनली जेनेटिक मटेरियल जो उसका था वो आरएनए था, कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं, कई बार नेक्ड डीएनए भी मिलता है, और न्यूक्लियोइड टाइप का इसमें हमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है, या उसे जीनोफोर या इनसीपिएंट न्यूक्लियस या प्रो क्रोमोसोम भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कशन की थी। रिप्रोडक्शन के बारे में पता लगाया कि मुनेरा के अंदर बाइनरी फिशन होता है अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, और ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कि सेल डिवीज़न ए माइटोइड टाइप का होता है और स्पिंडल फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं होती। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल जनरल डिस्कशन हो गई थी मुनेरा के बारे में, आज बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम मुनेरा, इसे हम क्लासिफाई करते हैं। इन 1977 कार्ल हूज एंड जॉर्ज फॉक्स रिपोर्टेड टू क्वाइट डिस्टिंक्ट ग्रुप इन दिस किंगडम। दीज ग्रुप आर एराकी बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। मीन्स पहले फाइव किंगडम स्कीम आई, और उसके बाद कार्ल हूज और जॉर्ज फॉक्स ने क्या किया, मुनेरा किंगडम को फिर एक दो पार्ट में डिवाइड किया, एराकी बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। एराकी बैक्टीरिया में क्या चीज़ें आएंगी, एराकी बैक्टीरिया ग्रीक वर्ड में एराकी मीन्स होता है प्रिमिटिव बैक्टीरिया, इंक्लूड मिथेनोजन्स, हेलोफाइल एंड थर्मो एसिडोफाइल्स। और यू बैक्टीरिया के अंदर क्या काउंट होगा, एक्चुअली इन्हें हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, आर ट्रू बैक्टीरिया दैट इंक्लूड्स साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म, एक्टिनोमाइसिट्स, रैकेट्सिया एंड स्पोरोचाइट्स। तो ये सारी की सारी कैटेगरी दो पार्ट में डिवाइड होगी, जो हमारा मुनेरा था वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एराकी बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के अंदर। तो डिस्कस करते हैं पहले एराकी बैक्टीरिया। इट इज़ अ प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। तो याद रखना कि हम फाइव किंगडम स्कीम पढ़ रहे हैं जिसमें मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटेई, एनिमेलिया, ये पाँच हमारे पास किंगडम थे, जिसमें से हमने फर्स्ट को पहले डिस्क्राइब किया मुनेरा। मुनेरा के हमने कल जनरल करेक्टर देख लिए थे, आज उसे क्लासीफाई करते हैं। तो मुनेरा को आगे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एराकी बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो एराकी बैक्टीरिया इट इज़ ए प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, दीज आर ओल्डेस्ट ऑफ द लिविंग फॉसिल्स। सबसे पुराना फॉसिल है ये हमारे पास,
दे इनहेबिट मोस्ट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट ऑन अर्थ, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड एज ए एक्सट्रीमोफाइल्स भी हम उनको बोल सकते हैं, क्योंकि ये एक हमारे अर्थ की उस एन्वायरमेंट में रहते हैं जो सबसे एक्सट्रीम कंडीशन वाले हैं। दियर सेल वॉल्स लैक पेप्टाइडोग्लाइकिन विच इज़ एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल ऑफ द यू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया के सेल वॉल में आपको जो कंपोनेंट मेनली मिलेगा वो पेप्टाइडोग्लाइकिन होगा। द लिपिड कंटेन फेंटाइल साइड चेन्स, यानी ब्रांच्ड लिपिड, ब्रांच चेन्ड लिपिड डिक्रीज द मेम्ब्रेन फ्लूडिडिटी एंड इंक्रीज द टॉलरेंस टू एक्सट्रीम ऑफ द हीट एज वेल एज द लो पी एच। दे पोजेस डिस्टिंक्ट राइबोसोमल आर एन ए सीक्वेंस एंड इंट्रॉन्स, दैट इज नॉन कोडिंग जीन्स लाइक दैट ऑफ यूकैरियोट्स। नॉन कोडिंग जीन्स वही होते हैं, जैसे एक आपको पता होगा जीन्स में तीन पार्ट होते हैं, ये किसी भी जीन्स एक्चुअल में है क्या, एक डीएनए का फंक्शनल पार्ट होता है, लेकिन जीन को भी आगे फर्दर डिवाइड किया हुआ है। एक होता उसमें होता है सिस्ट्रॉन, इंट्रॉन और मीन, एक होता है उसमें इंट्रॉन, एक रिकॉन और एक म्यूटॉन, है ना। तो जो फंक्शनल पार्ट होता है वो सिस्ट्रॉन होता है और जो नॉन फंक्शनल पार्ट होता है वो उसे कहते हैं इंट्रॉन। ये नॉन कोडिंग जीन्स की बात कर रहे हैं तो ये इंट्रॉन है। दे आर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम एंड हैव ए कीमोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कीमोसिंथेटिक मीन्स जो केमिकल रिएक्शन की थ्रू अपनी फूड की फॉर्मेशन करें। द थ्री मेन ग्रुप ऑफ द एराकीबैक्टीरिया आर, इसके आगे फर्दर हमने एराकीबैक्टीरिया को तीन पार्ट में डिवाइड किया, मिथेनोजन्स, हेलोफाइल और थर्मोएसिडोफाइल्स। तो मिथेनोजन्स की बात कर लेते हैं, आर ऑब्लिगेट एनारोबिक, दैट इज फ्री ऑक्सीजन विल किलिंग दैम। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं विच यूटिलाइज द सी ओ टू ड्यूरिंग द सेलुलर रेस्पिरेशन टू प्रोड्यूस द मीथेन, सी एच फोर हैज वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये क्या है, एक ऑब्लिगेट एनारोबिक है, दैट इज फ्री ऑक्सीजन विल किल दैम। देर आर फाउंड इन द मास्क ऑफ स्वैम्प एंड मार्शिस, द रूमन ऑफ कैटल, वेयर दे आर लिविंग ऑन द हाइड्रोजन एंड सी ओ टू प्रोड्यूस बाई द अदर माइक्रोब लिविंग अलॉन्ग विद दैम, और क्लोन, लार्ज इंटेस्टाइन, सीवेज स्लज एंड द गट ऑफ टर्माइट। तो ये इनकी हैबिटेट होता है। दीज आर कीमोटोट्रॉफ विच आर यूज हाइड्रोजन हैज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर रिड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड टू फूड एंड गिविंग ऑफ मीथेन, मार्श गैसेज एंड मीथेन। हैज अ बाई प्रोडक्ट मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैसिलस और मिथेनोसार्सिना और मिथेनोकोकस, ये सारे के सारे बैक्टीरिया इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लें, जो मिथेनोजन्स के अंदर अकाउंट होते हैं। तो ये क्या रिएक्शन चलाते हैं, 4H2 प्लस CO2 गिविंग यू CH4 प्लस 2H, मींस जो मिथेनोजेंस है उन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती अपने काम के लिए। देन बात करते हैं, दीज आर कीमोटोट्रॉफ्स विच, ये तो बात हो गई थी क्लियर। आगे बात करते हैं सेकंड जो टाइप है हमारे पास, सेकंड जो टाइप है वो है हेलोफाइल। आर फाउंड इन द एक्सट्रीमली सालन एनवायरमेंट सच अ ग्रेट सॉल्ट लेक इन द USA एंड डेड सी। दे मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस विद देयर सराउंडिंग बाई बिल्डिंग अप ए सोल्यूट कंसनट्रेशन विद देयर सेल। थर्मोसिडोफाइल्स आर फाउंड इन द हॉट एंड एसिडिक प्लेसेज एंड सच ए एसिडिक सल्फर स्प्रिंग्स, दैट इज इन येलो स्टोन नेशनल पार्क एंड डीप सी वेंट्स ब्लैक स्मोकर्स, इनके हैबिटेट है। सम फॉर्म ऑफ द थर्मोसिडोफाइल्स एरोबिक बैक्टीरिया रिड्यूस सल्फर टू हाइड्रोजन सल्फाइड अंडर द एनारोबिक कंडीशंस, और एग्जाम्पल है इसका सल्फोलोबस और थर्मो प्रोटीज एक्सेट्रा। तो हमने देखा कि ये जो एराकी बैक्टीरिया वाले जो जितने भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मेथेनोजन्स, हेलोफाइल्स और थर्मोएसिडोफाइल्स के जो भी, वो सारे के सारे एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, और ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहने के लिए जो उन्हें कैपेबल बना रहा है वो क्या है, उनके सेल वॉल में मिलने वाला क्या चीज़, पेप्टाइडोग्लाइकिन, और ये नहीं होता इसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकिन, लेकिन एक्चुअली जो इनको एक्सट्रीम केसेस में रहने के लिए हेल्प करता है वो क्या होती है, इनके अंदर लिपिड के जो फेंटाइल साइड चेन्स होती है, ब्रांच जो लिपिड्स होती है वो उनकी फ्लूडिटी को इंक्रीज़ करती हैं, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकते हैं, और जो पेप्टाइडोग्लाइकिन है वो इनके अंदर एब्सेंट होगा, जो जनरली सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, बट यहाँ क्या होगा, एब्सेंट होगा। ओके, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड पार्ट आ गया, यू बैक्टीरिया। ये हमारा एराकी बैक्टीरिया का सेकेंड जो हमारे मुनेरा जो किंगडम था उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एराकी बैक्टीरिया और दूसरा यू बैक्टीरिया। दीज आर टिपिकली प्रोकैरियोटिक, दैट इज़ नो मेम्ब्रेन इनक्लोज न्यूक्लियस। यहाँ सीधी सी बात है, उसने बोल दी कि यहाँ पर क्या होगा,
नो मेम्ब्रेन इंक्लोज न्यूक्लियस, सेल विद अ सिंगल क्रोमोसोम दैट इज अ क्लोज सर्कुलर ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन एंड विदाउट माइट्रोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंड एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है। अब बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में। दीज आर माइक्रोस्कोपिक रिलेटिव सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुज जेनेटिक मटेरियल इज नॉट इंक्लोज इन ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला जो फंडा है ये तो आपको पता है बेसिक चीज़ है कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करता है सेल्स के लिए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हमने बात कर ली। आगे देखते हैं साइज एंड शेप ऑफ द बैक्टीरिया। द साइज ऑफ द बैक्टीरिया रेंज ऑफ 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड 2 to 10 माइक्रोमीटर इन लेंथ। डायलेस्टर निमोनिसेंटिस 0.15 to 0.3 माइक्रोमीटर लॉन्ग इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। सबसे आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि उस बैक्टीरिया का नाम बताइए जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ का है। तो आपको ये याद होना चाहिए डायलेस्टर निमोनोसेंटिस, वाइल बैगियोटा मिराबिलस 16 to 41 माइक्रोमीटर डायमीटर एंड अप टू सेवरल सेंटीमीटर लॉन्ग इज ए लार्जेस्ट बैक्टीरिया। तो ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया कैन बी आइदर कोकस, एग्जाम्पल सेफेरिकल और नियरली सेफेरिकल, स्मॉल एंड नॉन फ्लैजिएटेड बैसिलस, रॉड शेप हो सकता है जैसे ई कोलाई है, एंड लैक्टोबैसिलस, विब्रियो लाइक कॉमा शेप जैसे कॉमे का डिज़ाइन होता है वैसे, लाइक विब्रियो कोलेरेई, स्पायरल शेप हो सकता है दैट इज़ कॉइल्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एग्जिबिटिंग ट्विस्ट विद वन और मोर टर्न्स, एग्जाम्पल है स्पायरिनियम माइनस। नेक्स्ट है कोकस बैक्टीरिया कैन बी आइदर माइक्रोकोकस अकस सिंगली दैट इज माइक्रोकोकस एगेलिस, माइक्रोकोकस रोजिस। आगे है डिप्लोकोकस फाउंड इन द पेयर्स गोनोकोकस और मीनिंगोकोकस, डिप्लोकोकस और निमोनियाई। नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस, एग्जाम्पल सेल्स रिमेन अटैच टू फॉर्म अ चेन, ये चेन शेप होते हैं, एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस और स्टेफलीकोकस इरेगुलर बंच ऑफ सेल ऑफ ग्रेप लाइक क्लस्टर्स, एग्जाम्पल है स्टेफलीकोकस ओरियस एंड सार्सिनियाई, क्यूबिकल शेप होते हैं पैक्ट ऑफ 8 to 27 और मोर सेल्स, एग्जाम्पल सार्सिना। बैसिलई बैक्टीरिया अरेंज इन ए पेयर आर कॉल्ड द डिप्लो बैसिली, एग्जाम्पल बैसिलस सप्टिलिस, बैसिलस अरेंज इन ए चेन आर कॉल्ड द स्टेप्टो बैसिली, एग्जाम्पल है स्टेप्टो बैसिलस एजोबैक्टर, बैसिलस एंथरासिस, बैसिलस अरेंज साइड बाई साइड लाइक मैच स्टिक आर कॉल्ड द पैलिसेड लाइक, एग्जाम्पल है कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरिया। वेन द सेल ऑफ द चेन हैव मच लार्जर एरिया ऑफ ए कॉन्टैक्ट विद ईच अदर इट इज कॉल्ड द ट्राइकोम, एग्जाम्पल है बैगीटोआ, कॉलबैक्टर इज स्टॉक्ड बैक्टीरियम, रोडो माइक्रोबियम इज बडिंग बैक्टीरियम, वाइल द राइजोबियम कॉरिनोबैक्टीरियम एजोबैक्टर एंड माइक्रोबैक्टीरियम आर द पेलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। तो ये कुछ बैक्टीरिया के नाम हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, आप उनको अच्छे से लर्न करने एक बार दोबारा चेक करके। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अगर आपके स्क्रीन के ऊपर ये पेज छोटा आ रहा है तो आप इसे अपने राइट साइड लोअर राइट साइड पर क्लिक करके इस पेज को बड़ा करके नीचे देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, स्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ द बैक्टीरिया आर हैज फॉलोज। नंबर वन बैक्टीरियल फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ सिंगल फिलामेंट ऑफ द प्रोटीन फ्लैजिलिन इंस्टेड ऑफ 9+2 ट्यूबलिन कंटेनिंग माइक्रोट्यूबुल्स फाउंड इन यूकैरियोट। तो यूकैरियोट के अंदर जो अरेंजमेंट मिलती है फ्लैजिला के अंदर वो क्या होती है 9+2 अरेंजमेंट, 9+2 में क्या है और ये ट्यूबलिन प्रोटीन की बनी होती है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, पेरिफेरल जो अरेंजमेंट होती है वो 9 की होती है और सेंटर में 2 की होती है। इट कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी हुक एंड फिलामेंट, बेसल बॉडी इज ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोर्शन ऑफ फ्लैजिलम हैविंग 4 रिंग्स LPSM इन ग्राम नेगेटिव एंड 2 रिंग्स SM इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। हुक कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ द प्रोटीन एंड फंक्शंस टू कनेक्ट द फिलामेंट टू मोटर पोर्शन। फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फ्लैजिलम विच इज 20 नैनोमीटर वाइड एंड 1 to 70 नैनोमीटर लॉन्ग एंड कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल रो ऑफ फ्लैजिलिन। डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरियल सेल कैन बी फॉलोइंग टाइप। तो हम फ्लैजिला के अरेंजमेंट के हिसाब से उसके हम बैक्टीरिया को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है आर्ट्रिकोकस फ्लैजिला एबसेंट, जहाँ पर ए ट्राइकस फ्लैजिला जहाँ एबसेंट हो, एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस और एस्टुरेला। दूसरा है मोनोट्राइकस सिंगल पोलर फ्लैजिलम, एग्जाम्पल है विप्रियो कोलेरेई एंड थियोबैसिलस। आगे है एम्फीट्राइकस सिंगल फ्लैजिलम एट ईच एंड ऑफ द
द सेल। एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास, आगे है सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया विद मैनी फ्लैजेला अटैच टू वन एंड, सूडोमोनास फ्लोरिसेंस। नेक्स्ट है लोफोट्राइकस बैक्टीरिया विद ग्रुप ऑफ फ्लैजेला अटैच एट ईच एंड, एग्जाम्पल है स्पाइरिलम वोलेंटाइंस। पेरीट्राइकस बैक्टीरिया विद फ्लैजेला ऑल ओवर द बॉडी, एग्जाम्पल ईकोलाई एंड कोलोस्ट्रम टिटेनी। नेक्स्ट पिलाई और फिम्ब्रेई आर एक्सट्रीमली माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर फाउंड मोस्टली इन द मेल एंड बैक्टीरियल सेल्स। तो पहले हमने बात कर ली बैक्टीरियल फ्लैजेला की, अब बात करते हैं पिलाई या फेमरी की। तो ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और मेल बैक्टीरिया सेल्स पर हमें मिलते हैं मोस्टली। फिम्ब्रियाई आर शॉर्टर एंड थिनर 3 to 10 नैनोमीटर डायमीटर देन फ्लैजेलम एंड यूज फॉर अटैचमेंट एंड क्लोनाइजेशन। ये जब एक दूसरे से अटैच होते हैं एक बैक्टीरिया तब इनका यूज़ होता है। दे आर कंपोज ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड द पाइलिन, स्पेशल टाइप ऑफ पाइली कॉल्ड सेक्स पाइली प्रेजेंट ऑन अ मेल बैक्टीरिया मेक कंजुगेशन ट्यूब ड्यूरिंग द कंजुगेशन। नेक्स्ट बैक्टीरिया की हम सेल वॉल की बात करते हैं, इज द आउटर टफ कवरिंग अराउंड द सेल विच प्रोवाइड स्पेसिफिक शेप एंड प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरियम, इट प्रिवेंट द सेल फ्रॉम स्वेलिंग एंड बस्टिंग ड्यू टू द ऑस्मोटिक चेंज। आगे है ग्लाइकोकैलेक्स इज द आउटर मोस्ट म्यूसिलेज लेयर दैट गिव स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरिया सेल। तो ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि बैक्टीरिया सेल को स्टिकी कैरेक्टर कौन प्रोवाइड करता है, ग्लाइकोकैलेक्स। इट इज कंपोज ऑफ पॉलीसैकेराइड कॉल्ड म्यूरिन और पेप्टाइडोग्लाइकेन, इट कंसिस्ट ऑफ ए पॉलीसैकेराइड एन ए जी एंड एन एम क्रॉस लिंक्ड विद शॉर्ट अमीनो एसिड चेन्स। एंटीबायोटिक्स सच एज पेनिसिलिन सिफेलोपोरिन एक्सेट्रा प्रिवेंट टू क्रॉस लिंकिंग एंड इनिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल फॉर्मेशन। लाइसोजोम अटैक ऑन द बॉन्ड बिटवीन द ग्लूकोसामीन एंड म्यूरामिक एसिड एंड हाइड्रोलिसिन द सेल वॉल। द सेल वॉल ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज मच थिकर एंड कंटेन लेस लिपिड हैज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये डिफरेंस भी हो गया। और लाइसोजाइम डाइजेस्ट द पॉलीसैकेराइड बैकबोन ऑफ द म्यूरिन। तो ये हमने एक्चुअली सेल वॉल डिस्कस की बैक्टीरिया की। अब हम थोड़ा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड हैज ए ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन विद ग्राम स्ट्रेन। दिस टेक्निक ऑफ ए ग्राम स्ट्रेनिंग वॉज इंट्रोड्यूस बाई हैंस क्रिस्टन ग्रैम इन 1884। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैंस क्रिस्टन ग्रैम और उन्हीं के इस रिएक्शन को डिस्कवरी करने के लिए उनके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो उसमें क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया को हमने क्लासिफाई किया है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन विद ग्राम स्ट्रेन। हमारे पास एक स्ट्रेन है जिसका नाम है ग्राम स्ट्रेन और उसी की वजह से इसका नाम पड़ गया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आफ्टर स्टेनिंग द बैक्टीरिया विच रिटेन द और देयर ओरिजिनल क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन आर कॉल्ड द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ऑन द अदर हैंड बैक्टीरिया दैट लूज स्टेन एंड डीकलराइज आर कॉल्ड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। द बेसिस ऑफ ग्राम स्टेनिंग इज लिपिड कंटेंट ऑफ द बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव हाई लिपिड कंटेंट ड्यू टू द विच द लिपिड डिजॉल्व इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टेकिंग आउट द स्टेन अलॉन्ग विद इट सेल्फ। तो यहाँ क्या हुआ कि जो अपने कलर को सस्टेन करके रखता है वो ग्राम पॉजिटिव है और जो कलरलेस हो जाता है उसे हम कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो कंपैरिजन बिटवीन द ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उन और क्या क्या उनके रिस्पॉन्स हैं वो हम देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए। तो ग्राम स्टेनिंग के लिए रिटेन क्रिस्टल वॉलेट डाई एंड स्टेन डार्क वॉलेट और पर्पल, तो ये वैसे का वैसा रहता है। कैन बी डीकलराइज टू एक्सेप्ट द काउंटर स्टेन सेफरीन एंड स्टेन रेड। आगे है पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, इसमें थिक होती है, यहाँ थिन है, सिंगल लेयर्ड होती है, मल्टी लेयर्ड है। फिर है टाइकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट इन मैनी और यहाँ एब्सेंट होता है। आउटर मेम्ब्रेन में ग्राम पॉजिटिव मेम्ब्रेन यहाँ एब्सेंट होती है, आउटर मेम्ब्रेन यहाँ प्रेजेंट है। लिपोपॉलीसैकेराइड यहाँ वर्चुअली नन और यहाँ पर हाई अमाउंट में होते हैं। फ्लैजेलर स्ट्रक्चर 2 रिंग्स इन बेसल बॉडी या 4 रिंग्स इन बेसल बॉडी। टॉक्सिन प्रोड्यूस प्राइमरी एक्सोटॉक्सिन, यहाँ प्राइमरी एंडोटॉक्सिन है। सेल वॉल डिस्ट्रप्शन बाय लाइसोजाइम हाई, यहाँ पर लो रिक्वायर्स प्री ट्रीटमेंट इन डिस्टेबलाइज द आउटर मेम्ब्रेन। ससेप्टिबिलिटी टू एनाइनिक डिटर्जेंट्स हाई होती है या लो है। रेजिस्टेंस टू ड्राइंग या हाई है या लो है, एग्जाम्पल है इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के। स्टेफलोकोकस स्टेप्टोकोकस न्यूमोनोकोकस बेसिलस क्लॉस्ट्रीडियम मायोबैक्टीरियम और स्टेप्टोमाइसिन, ये सारे के सारे इसमें आते हैं ग्राम पॉजिटिव में। और नेगेटिव में साल्मोनेला सूडोमोनास विब्रियो हेलिकोबैक्टर हेमियोफेसिलस एंड ईस्टेरिजिया कोलाई या ईकोलाई। नेक्स्ट बात करते हैं बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म की। इन इज ए सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस इनक्लोज्ड बाय
प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज़ ए फॉस्फोलिपिड बायलेयर बट देर इज़ नो कोलेस्ट्रॉल और दी स्टीरॉइड्स अदर स्टेरॉइड, ये आपको नहीं मिलेंगे. साइटोप्लाज्म अपीयर ग्रैनुलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ हैज मैनी एज 20,000 ऑफ 70s टाइप राइबोसोम विच मे बी अकर सिंगली और इन द क्लस्टर कॉल्ड द पॉली राइबोसोम्स. तो ये हमने डिस्कस किया इसके बारे में, बैक्टीरिया की फ्लैजला, उसकी पिलाई, उसकी सेल वॉल, उसका लाइसोजाइम और साइटोप्लाज्म के बारे में. थोड़ा सा और देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियोइड सर्टेन बैक्टीरियल सेल कंटेन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटीरियल कॉल्ड प्लाज्मिड्स. तो उसका खुद के जेनेटिक मटीरियल के अलावा भी कुछ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड. दी प्लाज्मिड डीएनए रिप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, इट कंटेन द जीन लाइक फर्टिलिटी फैक्टर, एफ फैक्टर, रेजिस्टेंस फैक्टर, आर फैक्टर एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन, निफ जीन. तो ये निफ जीन, एफ फैक्टर और आर फैक्टर, ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं इस एक्स्ट्रा प्लाज्मिड के अंदर. सम प्लाज्मिड मे बी टेम्परेली बिकम एसोसिएट विद द न्यूक्लियर डीएनए एंड आर नोन एज ए एपिसोम्स. तो कभी कभी क्या होता है कि जो प्लाज्मिड टेम्परेली एसोसिएट हो, जुड़े हुए हो न्यूक्लियर डीएनए के साथ, वो एपिसोम कहलाती है वो कंडीशन. प्लाज्मिड टर्म वॉज कॉइन्ड बाय द लीडरबर्ग एंड हियाज, ईच प्लाज्मिड इज सर्कुलर सुपर कॉइल्ड डबल स्टैंडर्ड एंड नेक डीएनए. नेक्स्ट, एंड न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, कैसे बैक्टीरिया करते हैं न्यूट्रिशन, कैसे मिलता है इनको. बैक्टीरिया एग्जिबिट डिफरेंट मोड ऑफ द न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रॉडली टू टाइप ऑफ द बैक्टीरिया कैन बी रिकॉग्नाइज, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. तो पहले डिस्कस करते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर ऑब्टेनिंग कार्बन एंड यूटिलाइज हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया और हाइड्रोजन हैज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन टू रिड्यूस द कार्बन. दीज बैक्टीरिया कैन बी डिस्टिंग्विश फर्दर इनटू टू टाइप, फोटो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड कीमो सिंथेटिक बैक्टीरिया. फोटोसिंथ्रॉफिक बैक्टीरिया पोजेस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड इन मेम्ब्रेन बाउंड लेमिले थैलेकोइड्स एंड यूटिलाइज सोलर एनर्जी. द बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ग्रीन प्लांट सिंस हियर वाटर इज नॉट यूज्ड एज ए हाइड्रोजन डोनर. हेंस ऑक्सीजन इज नॉट रिलीज्ड एज ए बाय प्रोडक्ट. ये फोटोसिंथेसिस में ऐसा होता है. फॉर दिस रीजन द प्रोसेस इज डिस्क्राइब्ड एज एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. CO2 कम्बाइंड विद हाइड्रोजन सल्फाइड, लाइट एनर्जी में शुगर प्लस सल्फर प्लस वाटर मिलता है. तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया मैन्युफैक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स यूटिलाइजिंग द एनर्जी लिबरेटेड फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. द फॉलोइंग आर कॉमन टाइप ऑफ द कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. फर्स्ट है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया. क्या चीज, कैसे है नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया? ड्राइव्ड एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया इन टू नाइट्राइट. इनका काम क्या है, ये एनर्जी को कहाँ से ड्राइव करते हैं, जब ये अमोनिया की ऑक्सीडेशन करते हैं इन दी कन्वर्ट इनटू नाइट्रेट्स. तो एग्जांपल ऐसे हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टीरिया. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं. एग्जांपल है नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टीरिया. ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं किसके अंदर, NO2 के अंदर, यानी कि नाइट्रेट के अंदर. साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं दो और एनर्जी रिलीज होती है. सल्फर बैक्टीरिया ड्राइव्ड एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग द हाइड्रोजन सल्फाइड टू सल्फर थियोबैसिलस और बेगियोटा टोवा. हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू टू सल्फर प्लस वाटर प्लस एनर्जी. आयरन बैक्टीरिया ड्राइव एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग फेरस आयरन टू फेरिक फॉर्म. एग्जाम्पल फेरोबैसिलस एंड गैलिनोइला. ये क्या है, FeCO3. आयरन कार्बोनेट को पानी के साथ मिलकर प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू 4FeOH का होल थ्राइज प्लस 4CO2 प्लस एनर्जी. तो इस तरीके से जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया है वो अपनी न्यूट्रिशन करते हैं, और ये तीन तरीके से कर सकते हैं, या तो नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, या सल्फर बैक्टीरिया, या आयरन बैक्टीरिया. तो हमने ये डिस्कस कर लिया. आगे देखते हैं, ये तो बात कर ली हमने ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के बारे में. अब बात करते हैं हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. आर अनेबल टू मैन्युफैक्चर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड एंड हैंस आर डिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल सोर्सेज. दीज बैक्टीरिया कैन बी डिस्टिंग्विश इनटू सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया एंड पैरासिटिक बैक्टीरिया. तो पहली बार कंडीशन को हम एक्सप्लेन करते हैं. सेप्रोफिटिक, जो डेड डिकेइंग मैटर पर काम करें, है ना, ऑप्टेन देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर. दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू द सिंपल सॉल्वेबल फॉर्म बाय सेक्रेटिंग द एक्सोजेनस एंजाइम्स. सब्सिक्वेंटली दे अब्सॉर्ब द सिंपल न्यूट्रिएंट एंड assimilate them during which they have released energy. These bacteria have a significant role in the ecosystem as they function as a decomposer. The aerobic breakdown of the organic matter is called the decay or decomposition. कोई भी aerobic breakdown होता है और होना किसी भी organic matter का, वो क्या कहलाता है,
डिगे और डीकम्पोजिशन. इट इज़ यूजली कम्प्लीट एंड नॉट कम्प्लीट बाय द रिलीज ऑफ फाउल गैसेज. एनरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन. जहाँ पर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट ना हो वो फर्मेंटेशन होता है. इट इज़ यूजली इनकम्प्लीट एंड इट इज ऑलवेज अकम्प्लीट बाय द रिलीज ऑफ फाउल गैसेज. एनरोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटीन इज कॉल्ड द प्यूट्रिफिकेशन. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कम्प्लीट प्रोसेस है और ये एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है. और यहाँ पर कोई भी फाउल गैसेज नहीं निकलती, यहाँ फाउल गैसेज रिलीज होती है. अब बात करते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. लिव इन द म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया ड्राइव द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फ्रॉम देयर होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड इन दैट प्रोसेस हेल्प द होस्ट थ्रू द सम ऑफ देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी. तो ये याद रखना, इन सभी ये बैक्टीरिया वाला जो पोर्शन है इसके अंदर सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, तो उस पर थोड़ा जोर दीजिएगा. द मोस्ट फेमिलियर एग्जाम्पल ऑफ द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया आर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फाउंड इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट. बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड सोडोमोनास रिसाइड इन द रूट नोड्यूल एंड रिड्यूस द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली टू अमोनिया. इनका काम क्या है, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना. दीज बिकम्स द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर द होस्ट प्लांट. द प्लांट इन रिटर्न प्रोवाइड बैक्टीरिया विद न्यूट्रिएंट एंड प्रोटेक्शन. नाइट्रोजनस एंजाइम सिस्टम हेल्प इन फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट, दैट इज नाइट्रोजनस एंड नाइट्रोजिनेज एंड नाइट्रोजिनेज रिडक्टेज. ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन इन हेट्रोसिस्ट अंडर द एनएरोबिक कंडीशन. राइजोबियम बैक्टीरिया नीड लेग हीमोग्लोबिन फॉर फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन. निफ जीन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द दीज एंजाइम. दीज जीन्स इज फाउंड इन द प्लाज्मिड ऑफ प्रोकैरियोट. बिकॉज प्लाज्मिड आर नॉट फाउंड इन द यूकैरियोट्स, दे कैन नॉट फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. The bacteria found in the human alimentary canal E. coli are non-pathogenic. These bacteria check the growth of the harmful putrefying bacteria. In addition, these bacteria release vitamin K and B12. ये important आपको question यहाँ से arise हो सकता है कि ये bacteria क्या release करते हैं, vitamin K और B12 which are necessary for the blood components. और ये हमारे blood के लिए important होता है. तो E. coli जो है वो human alimentary canal में रहता है और वहाँ पर ये विटामिन के और 12 रिलीज़ करते हैं. तो इस तरीके से हमने अपने सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया को डिस्कस किया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को डिस्कस किया. अब देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमारा, पैरासिटिक बैक्टीरिया. थर्ड ये हमारा है, अकर इन द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट ऑब्टेनिंग देयर ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम देयर. मोस्ट ऑफ दीज बैक्टीरिया आर पैथोजेनिक कॉजिंग सीरियस डिसीज इन होस्ट ऑर्गेनिज्म आइदर बाई एक्सप्लॉइटिंग देम और बाय द रिलीजिंग पॉइजनस सिक्रीशन कॉल्ड द टॉक्सिन विच आर ऑफ टू टाइप, दैट इज एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन. डिफरेंस बिटवीन द एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन, क्या डिफरेंस होता है. एक्सोटॉक्सिन क्या होते हैं, एक्सक्रीटेड बाय ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जो एंडोटॉक्सिन है एक्सक्रीटेड बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. आल्सो नोन एज ए प्रोटीन टॉक्सिन रिलीज टू आउटसाइड फ्रॉम द लिविंग सेल, स्ट्रॉन्गली एंटीजेनिक और हाईली टॉक्सिक. आल्सो नोन एज ए लिपोपॉलीसैक्राइड टॉक्सिन रिमेन इन द सेल वॉल एंड रिलीज ऑन द डेथ ऑफ सेल, पुअर एंटीजेनिक और लेस टॉक्सिक. तो ये एक्चुअल में क्या है, एक प्रोटीन है और ये एक्चुअल में क्या है, एक लिपिड्स यानी लिपोपॉलीसैक्राइड टॉक्सिन्स है. अब बात करते हैं कि बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन कैसे होता है. रेस्पिरेशन बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द मोड ऑफ रेस्पिरेशन बैक्टीरिया में भी ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया, फैकल्टेटिव एरोब्स और फैकल्टेटिव एनएरोब्स. ऑब्लिगेटिक एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, दे कैन बी परफॉर्म ओनली एरोबिक रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल बेसिलस सबटिलिस. ऑब्लिगेट एनरोबिक बैक्टीरिया, दे कैन परफॉर्म ओनली एनरोबिक रेस्पिरेशन, एग्जाम्पल है कोलोस्ट्रीडियम बोटुलिनम. फैकल्टेटिव एरोब्स, दीज आर एनरोबिक बैक्टीरिया बट कैन लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल क्लोरोबियम ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. फैकल्टेटिव एरोब्स, दीज आर एरोबिक बैक्टीरिया बट कैन लिव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो, एग्जाम्पल सूडोमोनास. नोट, एरोबिक बैक्टीरिया डू नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एंड दीज दे यूज़ हाइड्रोजन सल्फाइड हैज ए सोर्स ऑफ रिड्यूसिंग पावर रादर देन द वाटर. दिस टाइप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड द एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. तो ये भी अच्छा एक एक्सप्लेनेशन है और आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वॉट इज द मीन ऑफ एन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया. रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया टेक प्लेस बाय फॉलोइंग थ्री स्टेप्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट आएगा, आगे देखेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. तो पहले देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. इट टेक प्लेस बाय द बाइनरी फैशन इन विच द बैक्टीरियल डीएनए अंडरगो रिप्लिकेशन एंड अंडर द फेवरेबल कंडीशन द बैक्टीरियल सेल एक्सपेंड एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू टू पार्ट. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इट टेक प्लेस बाय एंडोस्पोर फॉर्मेशन.
बैक्टीरियल पॉपुलेशन इज काउंटेड बाय टू टू की पावर एन, टू रेज टू पावर एन, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरेशन. फॉर एग्जाम्पल अ बैक्टीरियल सेल आफ्टर फाइव जनरेशन ऑफ फ्यूजन विल रिजल्ट इन टू 32 बैक्टीरियल सेल. नेक्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो पहले हमने पीछे वाले में हमने वेजिटेटिव और एसेक्सुअल के बारे में डिस्कस किया, अब आगे देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट टेक प्लेस बाय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. देर इज आर थ्री मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन. फर्स्ट इज ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन. तो पहले देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन. हियर डीएनए रिलीज फ्रॉम वन बैक्टीरियल सेल इज टेकन अप बाय अनदर विदाउट एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट बैक्टीरियम. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ग्रिफ्थ इन 1928 व्हेन ही वॉज वर्किंग विद द बैक्टीरियम डिप्लोकोकस निमोनियाई और निमोनोकोकस निमोनियाई विच इज कॉज निमोनिया. In 1944, Avery, McLeod and McCarty succeeded in this isolating and identifying the transforming the factor and found that it was DNA. This was the first direct evidence that DNA is the genetic material. Next, conjugation. In it, transfer of DNA involved direct cell-to-cell contact and a conjugative plasmid in donor cell. Conjugation was discovered by Lederberg and Todt in 1946 in E. coli. Conjugation occur between the donor cell F plus and recipient cell S negative. Donor cell is having sex pili and F factor, whereas recipient cell is lacking both. It may be involve either only the replication and transfer of F plasmid, a fertility factor or F factor, from donor F positive to the recipient F negative, thus making the latter also donor of, or integration of the F plasmid with the chromosome of donor to form episome. Term episome is applied to extra nuclear genetic material which may be remain integrated to or free state. Example, F factor, temperate phase, etc. All plasmid are episomes, but all episome are not plasmid. So, I have told you episome body condition kya hai? Ki jab plasmid attach ho nucleoid ke saath, bacteria ka jo nucleoid wala genetic part hai, material hai, uske saath agar attachment ho to episome, aur agar na ho to normal hai ye plasmid. To kehta hai ki all plasmid episome ho sakte hain, but sare episome प्लाज्मोड ऐसे ज़रूरी नहीं है. व्हेन एफ फैक्टर इज इंटीग्रेटेड विद मेन जीनोम और न्यूक्लियर डीएनए, द फ्रीक्वेंस और रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज बाय 100 टाइम्स. व्हेन एफ फैक्टर इज इंटीग्रेटेड विद मेन जीनोम और न्यूक्लियर डीएनए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज बाय 1000 टाइम. दैट इज बाय द डोनर सेल इज कॉल्ड एच एफ आर डोनर, यानी हाई फ्रिक्वेंसी डोनर और हाई फ्रिक्वेंसी मेल. ट्रांसडक्शन, ये थर्ड हमारे पास मेथड आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का. ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द बैक्टीरियल इज इमिजिएटेड बाय वायरस. एग्जांपल बैक्टीरिया फेज, इट वाज फर्स्ट ऑल रिपोर्टेड इन साल्मोनेला टाइम्फीम्यूरियम बाय द जिंडर एंड लीडरबर्ग 1952. ट्रांसडक्शन इज ऑफ थ्री टाइप, जनरलाइज ट्रांसडक्शन, रिस्ट्रिक्टेड और एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन. जनरलाइज ट्रांसडक्शन क्या है? दैट इज ट्रांसड्यूसिंग द बैक्टीरिया फेज कैन ट्रांसफर एनी जीन ऑफ द डोनर बैक्टीरियम. रिस्ट्रिक्टेड स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन क्या है? दैट इज ट्रांसड्यूसिंग बैक्टीरिया फेज कैन कैरी ओनली अ स्पेसिफिक रीजन ऑफ बैक्टीरियल डीएनए टू अ रेसिपिएंट. एग्जांपल लैम्डा बैक्टीरिया फेज. एबॉर्टिव ट्रांसडक्शन, दैट इज डीएनए फ्रेगमेंट फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम इज नॉट इंटीग्रेट टू द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट बैक्टीरियम एंड इज लॉस्ट आफ्टर वन और फ्यू जनरेशन. हम नेक्स्ट बात करते हैं कुछ बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं जो पॉपुलर बैक्टीरिया हमारे पास. पॉपुलर बैक्टीरिया आर हैज फॉलोज, रैकेटिसिया, नाइट्रोसोमोनास, नीसेरिया, मेनिगेटिस, ईकोलाई, साल्मोनेला, एंट्रिका, विब्रियो कोलेरिया और इर्सिनिया पेस्टिस. रैकेटिसियाज आर ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट. दीज मीन दैट दे कैन ओनली ग्रो एंड रिप्रोड्यूस विद इन द लिविंग सेल ऑफ देयर होस्ट, इंक्लूडिंग द सर्टेन आर्थ्रोपोड, टिक, माइट, लाइस एंड फ्ली एंड मैमल. Rickettsia provosky causes typhus fever when it is transmitted to the human by lice. Rocky Mountain spotted fever is a Rickettsia disease transmitted by the tick. Nitrosomonas is a chemotroph which oxidizes ammonia produced from protein by decay bacteria to nitrites NO2. This provides the energy to drive their anaerobic reaction. The nitrite are the converted by other nitrifying bacteria into nitrate which supply the nitrogen and need of plants. Neisseria meningitis cause meningococcal meningitis, an extremely serious infection of the meninges that occasionally occur in
वेरी यंग चिल्ड्रन एंड इन मिलिट्री कैप्स, मिलिट्री कैप्स, मिलिट्री कैंप्स। निसेरिया गोनोरेया कॉज द गोनोरेया वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज STD। ईकोलाई इज मोस्ट थॉरली स्टडी ऑफ ऑल क्रिएचर पॉसिबली एक्सेप्टिंग अवर सेल्फ। साल्मोनेला एंट्रिका इंक्लूड टू मेजर ह्यूमन पैथोजेंस, दे आर फॉलोज साल्मोनेला एंट्रिका वाटाइफी और साल्मोनेला एंट्रिका वाटाइफी म्यूरियम। कॉज टाइफॉइड फीवर, अ सीरियस सिस्टमेटिक इन्फेक्शन अकरिंग ओनली इन ह्यूमन्स एंड कन्फाइंड टू द इंटेस्टाइन। इट इज़ अ फ्रीक्वेंट केस ऑफ ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अपसेट, बट इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन मैनी अदर मैमल्स एनिमल्स दैट आर ऑफन इन द सोर्स ऑफ देयर ह्यूमन इन्फेक्शन, ऑल्सो नोन एज अ साल्मोनेला टाइफी म्यूरियम। विब्रियो कॉलरेई कॉज कोलोरा वन ऑफ द मोस्ट डिवास्टेटिंग इंस्टेंस इंटेस्टिनल डिसीज। द बैक्टीरियल लिबरेट अ टॉक्सिन दैट कॉज द मासिव डायरिया 10 to 15 liter per day and loss of salts. Next, Yersinia pestis is a bacillus that cause bubonic plague. It all usually transmitted to human by the bite of any infected flea. As it spread into the lymph node, it caused them to become greatly swollen, hence the name bubonic bubo swelling of the lymph node plague. Once in the lung, however, the bacteria can spread through the air, causing the rapidly lethal 2 to 3 days pneumonic plague. Next step, purple sulfur bacteria. 8th hai hamara, purple sulfur bacteria are photosynthetic that they use energy of sunlight to reduce the carbon dioxide to carbohydrate. Unlike plant, however, they do not use water as a source of electrons. Instead, they use hydrogen sulfide to supply the electron needed to synthesis NADPH to ATP. In this process, the produce elemental sulfur chromatium. Photosynthetic bacteria contain a special type of the chlorophyll called bacteriochlorophylls incorporated into the membranes. With the machinery, they can be run photosynthesis first but not photosynthesis second, which explains their inability to use water as a source of electrons. Most photosynthetic bacteria are obligate anaerobes. They cannot be tolerated free oxygen, thus they are restricted to such habitat as a surface of sediment at the bottom of shallow ponds and estuaries. Next, bacillus species organism differ mainly in the plasmid that they can contain. Bacillus anthriasis that cause anthrax possesses two plasmids that contain the gene needed to synthesize capsule, which like those of the pneumococci make it resistant to phagocytosis, and three component of the toxin that cause disease symptoms. B. Thuringiensis toxin and the gene also plasmid encoded for the toxin are used as a biocontrol agent against a variety of insect pest. 10. Clostridium tetani are spore forming obligate anaerobes. The spore of the Clostridium tetani are widespread in the soil and often get into the body throughout the bound. Puncture bound example by splinter or nails are particularly dangerous because they provide the anaerobic condition needed for the germination of the spore and growth of the bacteria. These interfere with the reciprocal inhibition of the antagonistic pair of the skeletal muscles, so the victims suffer from the violent muscle spasms. Next, Clostridium botulinum. Its toxin, if eaten within an uncooked bean or mushroom, can be fatal. Our toxin is a protein and is quickly transmitted denatured at 100 degrees centigrade, so boiling home canned product make them safe to eat. Mycobacterium tuberculosis is the agent of the tuberculosis, TB. Mycobacterium leprae cause leprosy. Mycobacterium leprae is an obligate intracellular parasite. It has never been cultured in vitro. Next, 14. Corynebacterium diphtheriae cause diphtheria. As in tetanus, it is not growth of the organism in throat that is dangerous, but the toxin it liberates. The toxin is about product of the latent bacteriophage in bacterium. The toxin has no such effect on the translation machinery of the bacteria or of the chloroplast and mitochondria. Treatment of the toxin and formaldehyde convert it into a harmless toxoid. Sporochaetes are thin, corkscrew-shaped, flexible organisms that range in the length from few to many, has 500 micrometer to not. Notorious examples are
ट्रिप्टोनीमा पैलेडियम द कॉज ऑफ साइफिलिस वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ऑफ द सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज एसटीडी बोरेलिया बर्गोडोरोफेरी दैट इज ट्रांसमिट टू ह्यूमन थ्रू द बिट और डियर टिक कॉज लाइम डिजीज क्लेमाइडी आर ऑल्सो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट दे कैनॉट मेक देयर ओन एटीपी क्लेमाइडिया ट्रैकोमाटिस इन्फेक्शन इज यूजली स्प्रेड बाय द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज मेकिंग मोस्ट कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज एसटीडी द आई इन्फेक्शन इज कॉज बाय द स्ट्रेन ऑफ द क्लेमाइडी ट्रैकोमोटिस एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स नेम क्लेमाइडिया पेस्टिकी इन्फेक्ट बर्ड्स बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट द ह्यूमन इन कॉन्टैक्ट कॉजिंग द सिटिकोकोसिस और ओनोन्थियोसिस 17 साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी हैव मैनी करेक्टर्स सिमिलर टू बैक्टीरिया द यूज वाटर हैज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू रिड्यूस द CO2 टू कार्बोहाइड्रेट बिकॉज दे आर फोटोसिंथेसिस सेकंड एज वेल एज फोटोसिंथेसिस फर्स्ट CO2 प्लस वाटर गिविंग यू CH2O प्लस वाटर प्लस O2 साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कंटेन टू एंटीना पिगमेंट्स दैट इज ब्लू फाइकोसाइनिन मेकिंग दैम ब्लू ग्रीन एंड रेड फाइकोरिथ्रीन द रेड गेसी गेट्स इन टू नेम फ्रॉम द पीरियोडिक ब्लूम्स ऑफ द रेड कलर्ड साइनोबैक्टीरिया दीज टू पिगमेंट्स ऑल्सो अकर इन द रेड एल्गी कॉमन डिफरेंस बिटवीन द बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी फीचर्स साइज में बात करें तो बैक्टीरिया कंपेरेटिवली स्मॉलर और कंपेरेटिवली लार्जर ये बड़ा होता है साइनोबैक्टीरिया फ्लैजिला मे बी प्रेजेंट ऑलवेज प्रेजेंट न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉफिक और हीटोट्रॉफिक होता है साइनोबैक्टीरिया के अंदर यूजली ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बैक्टीरिया क्लोरोफिल एंड क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है आगे बात करते हैं नेक्स्ट फीचर्स की एसेसरी पिगमेंट की बात करें तो बैक्टीरिया एब्सेंट है यहाँ पर हमारे पास फाइकोसाइनिन एंड फाइकोएथ्रीन आर प्रेजेंट इन डोमिनेटिंग फॉर्म हाइड्रोजन डोनर की बात करें ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन डोनर इज नॉट वाटर एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व दिस फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीजनिक हाइड्रोजन डोनर इज वाटर ऑक्सीजन इज वॉल्व द प्रोसेस इन ऑक्सीजनिक रिजर्व फूड की बात करें तो यहाँ ग्लाइकोजन और साइनोबैक्टीरिया के अंदर साइनोफाइसिन स्टार्च स्पोर फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ एंडोजिनस है यहाँ स्पोर फॉर्मेशन इज नॉट एंडोजिनस नेक्स्ट लास्ट हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा की आर नोन एज ए स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर सो स्मॉल 0.1 माइक्रोमीटर दैट दे कैन बी सीन ओनली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप माइकोप्लाज्म आर ऑब्लिगेट पैरासाइट दे कैन लिव विद इन द सेल ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म माइकोप्लाज्म लाइक ऑर्गेनिज्म और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म वर डिस्कवर्ड बाय द नोकार्ड और रॉक्स इन प्लूरल फ्लूड ऑफ द कैटल हैविंग बोविन प्लूरोनिमोनिया देयर आर यूनिसेलर प्रोकैरियोटिक नॉन मोटाइल हाईली पॉलीमॉर्फिक एंड फिल्टरेबल थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स इट इज रेजिस्टेंस टू दोज एंटीबायोटिक्स विच एक्ट ऑन द सेल वॉल लाइक पेनिसिलिन ड्यू टू द लैक ऑफ दिस सेल वॉल माइकोप्लाज्म आर इनहिबिटेड बाय दोज एंटीबायोटिक्स विच एक्ट ऑन द मेटाबॉलिक पाथवे सच एज टेट्रासाइक्लिन माइकोप्लाज्म डू नॉट स्टेन ग्राम पॉजिटिव बिकॉज द लैक ऑफ सेल वॉल दीज आर फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड टू लो ग्राम नेगेटिव पॉजिटिव बैक्टीरिया जी सी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया माइकोप्लाज्म रिजेंबल प्रोटोप्लाज्म इन दैट दे लैक सेल वॉल बट दे आर मोर रेजिस्टेंस टू ऑस्मोटिक लाइसिस एंड आर एबल टू सर्वाइव कंडीशंस अंडर द विच प्रोटोप्लाज्म लाइसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्टीरॉल्स सम माइक्रोप्लाज्म रिक्वायर स्टीरॉल इन देयर ग्रोथ मीडिया डीएनए इज लीनियर बट क्वाइल्ड म्यूजोसोम्स आर एबसेंट रिप्रोडक्शन अकर बाय द फिशन एलिमेंट्री बॉडीज आर रिप्रोडक्टिव यूनिट्स द सेल ऑफ द माइक्रोप्लाज्म डिवाइडेड अनइवनली इनटू द वेरी माइन्यूट बॉडीज ऑफ 330 टू 450 नैनोमीटर इन साइज माइक्रोप्लाज्मा कॉज लिटिल लीफ डिसीज इन ब्रिंजल येलो एस्टर ग्रीनिंग स्टबन एंड विच इज ब्रूम इन प्लांट्स तो आज के लेक्चर में हमने मुनेरा पार्ट को डिस्कस किया और मुनेरा के अंदर हमने देखा था उसे क्लासिफाई किया तो हमने मुनेरा पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया एरेक्यू बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया एरेक्यू बैक्टीरिया के अंदर को भी हमने आगे फर्दर डिवाइड किया मैथोजेंस हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स के अंदर और इसके अलावा हमने बैक्टीरिया के साइज़ और शेप की बात की देन उसके अंदर मिलने वाले फ्लैजिला की बात की पिलाई की बात फिर सेल वॉल उसके बाद साइटोप्लाज्म डिस्कस किया फिर न्यूट्रिशन की बात की न्यूट्रिशन हमने देखा बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं जिनमें फोटो ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक मिलते हैं और इसके अलावा हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी होते हैं लाइक सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया सिम्बायोटिक बैक्टीरिया और पैरासिटिक बैक्टीरिया तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की उसके बाद हमने बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन की बात की जिसमें हमने ऑब्लिगेट एरोबिक ऑब्लिगेट एनारोबिक फैकल्टेटिव एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब की बात की रिप्रोडक्शन में हमने वेजिटेटिव एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड को देखा जिसमें सेक्सुअल में वो ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है कंजुगेशन करता है और ट्रांसडक्शन करता है और कुछ पॉपुलर बैक्टीरिया के नाम को देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इनको अच्छे से रटें अच्छे से ध्यान से लर्न करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है
तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम किंगडम प्रोटिस्टा को डिटेल में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, तब तक आप इस वीडियो को लर्न करें। थैंक यू सो मच।